अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जी बिलाल मदीना मनावरा से। खुश आमदीद आपको एक और ब्लॉग में। तो आज हम बनाएंगे जी पाए, तो चलिए रेसिपी को करते हैं जी शुरू। जी पाए तैयार करने के दो तरीके हैं, लहसुन अदरक प्याज सब कुछ डाल के तो सीटी लगवा देते हैं, उससे जो है ना पाए की स्मेल जो है ना वो ख़त्म नहीं होती। तो मैं बनाता हूँ जी दूसरे तरीके से। सबसे पहले मैं मसाला तैयार करता हूँ, फिर उसमें पाए डालता हूँ, फिर उनको अच्छी तरह से उनकी भुनाई करेंगे ना तो इंशाल्लाह जो है ना उनकी स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और ये जी दो दर्जन हमने लिए जी पाए बकरे के, ग्रीन चिली, प्याज, टमाटर, अदरक और ये रहा जी लहसुन। और ये जी अभी ऑयल गर्म हो गया, तो ये हमने दो दर्जन पाए हैं और प्याज लिए हैं जी चार प्याज। अभी इसमें ऐड करेंगे जी टमाटर और ये जी अभी इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें ऐड करेंगे जी पाए और ये थोड़ी सी हरी मिर्च अभी डालेंगे, बाकी बाद में जब ये रेडी हो जाएंगे फिर डालेंगे। थोड़े से इसमें मसाले ऐड करेंगे, दालचीनी, सूखा धनिया, गार्लिक, काली मिर्च, कसूरी मेथी और नमक। और ये आ गया जी खुश्क धनिया, इससे बहुत प्यारी खुशबू आएगी। और ये जी अभी इसमें ऐड करेंगे एक दही। निकल जा और ये जी अभी आधा घंटा बुनाई करने के बाद इसने अपना ऑयल छोड़ दिया। अभी इसमें ऐड करेंगे जी पानी। और एक बात, इसको आपने सीटी नहीं लगवानी, जो सीटी लगवाते हैं ना वो जो है ना उसमें चीज़ गलती है, बनती नहीं है, तो इसीलिए हम इसे जो है ना पानी डाल के ना तो ऊपर ढक्कन रख के इसको दम लगाएंगे। दम लगाएंगे तकरीबन 3-4 घंटे, तो इंशाल्लाह उसका टेस्ट जो है ना वो बेहतरीन आएगा। तो ये जी अभी हो चुके हैं जी 4 घंटे, अभी ढक्कन उठा के देखते हैं क्या सूरत हाल है। और ये रही जी माशाल्लाह से फाइनल लुक, आप चेक करें, कोई बूटी नहीं इसकी टूटी, जो आपको देखे वैसी की वैसी और बिल्कुल गली हुई है। देखें 6 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद ये नतीजा आपके सामने। ये तकरीबन 6 घंटे लग गए हैं पाए बनाते हुए, 2 बजे दोपहर को 2 बजे ऊपर रखे थे। तो अभी टाइम हो गया जी मगरिब का, तो ये अभी टाइम ये अभी तैयार हुए हैं देख सकते हैं माशाल्लाह। और आप पसीने से देख सकते हैं मेरा क्या हाल हुआ है, वल्ला इतनी गर्मी है ना किचन में मैं आपको बता नहीं सकता। तो फिर भी बनानी तो है, पर देश आपको पता खुद बनाना पड़ता है, जो भी करना है माशाल्लाह से सही जो है ना गल गया अंदर से बिल्कुल रेशेदार। अभी मैं आपको टेस्ट करके ना बताता हूँ, ये आप देख सकते हैं कैसे गल गया, ये देखे बिल्कुल हड्डी लैदा हो गई या मांस लैदा, ये हड्डी को पकड़ा ये देखें हड्डी बिल्कुल अपना छोड़ गई है। अभी गर्म बहुत है, अरे गले को लगा। बोला एकदम सॉफ्ट, बहुत ही आला वल्ला बहुत आला। ये देखिए वल्ला एकदम परफेक्ट, नमक मिर्च हर चीज़ ओके है, मियाँ मियाँ वल्ला जायका आ गया, चस आ गई है वल्ला जी। और ये जी अभी मैं लेकर जा रहा हूँ दुकान पे, वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं सब, भूख लगी है सबको। और ये डॉन साहब लेकर जा रहे हैं जी अपनी दूसरी दुकान पे। ये शकील भाई ये चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह है फाइनल लुक आई है, वो भी किन्ने 6 घंटे बाद। ये हूँ इतने लगान लगे जी सुपरा, हूँ थे अंदर सुफरा लाओ जी, काम शाम छे करिए जी ये रही जी हमारी तमीज है, ये आप देख सकते हैं इधर इतना बड़ा रोटा। लोग कितने गए ने अदनान भाई दे दी भाई खाने में, ये लग गया जी हमारा सुफरा। आशा साहब आइयो, चंगी भूख लगी जी तुहानू भी है, सड़ी दी रोटी
ਸਕੇਲ ਭਾਈ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਰੋ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਹਾਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਵਾਹ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ तो चले गाइज अभी मैं भी खा लूँ, बहुत भूख लगी है, सुबह का नाश्ता किया हुआ है जी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जी वाह मज़ा आ गया उस्ताद जी, मुबशर पुत्र गुड कर गया, अल्लाह हाफिज़ जी।